मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में कर्मचारियों को अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में पिछले कई दिनों से लगातार अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जनपद पंचायत में प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के लगभग 70,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं, जिसमें कई अल्प वेतन में एवं कई कर्मचारी अनेक सेवाओं की सुरक्षा से परेशान है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हम कोरोना में ये जो धरातल की टीम है, ये पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के हैं, उपयंत्री हैं, सब संविदा पर है, ये उचित नहीं है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। अब संविदा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये यथावत नियमितीकरण चाहिए, समान कार्य समान वेतन चाहिए, और पंचायत सचिव के साथ भी बहुत बड़ा छलावा है, छठा वेतन की गणना सही हुई नहीं है और सातवें की तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम जब तक हमारी मांग सरकार नहीं मानेगी, हम सब काम बंद करके बैठे हैं। आज काम बंद करने का आप से मेरा अनुरोध है, मीडिया से मेरा अनुरोध है कि आप जाकर धरातल पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के काम नहीं हो रहे। अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जिले की ग्राम पंचायतों में तालाबंदी हो गई है। गांव में होने वाले मनरेगा के अंतर्गत होने वाले काम बंद पड़े हुए हैं। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत पेंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।